हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिना लहसुन प्याज के काले चने आलू की चटपटी सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत में भरपूर होती है। तो आइए, इसके लिए हमने ले लिए हैं ये 1.5 कटोरी चना और ये 3 आलू ले लिए हैं, और इसको मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था। अब हम गैस ऑन कर देंगे, गैस पर हम रख देंगे प्रेशर कुकर। कुकर में हम डालेंगे 3 गिलास पानी और 1.5 कटोरी चना। पानी हम थोड़ा ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी सब्जी थोड़ी रसेदार और तरीदार है, इसीलिए। अब हम इसके अंदर काला चना डाल देंगे और साथ में ये आलू डाल देंगे। आलू के बाद हम 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिला के चमचे की सहायता से मिला लेंगे और ढक्कन लगा के सीटी आने तक पकाएंगे। सीटी हम 8 से 10 लेंगे और देखिए, हमारा ये चना पक चुका है और आलू भी पक चुका है। हम उंगलियों की सहायता से देखेंगे कि हमारा चना पका है या नहीं। देखिए, हमारा चना बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, अपने आप फूट रहा है उंगलियों से। अब हम ग्रेवी के लिए 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और 1/2 कटोरी ये बॉईल किया हुआ चना चाहिए। इन तीनों को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब हम अपने मसाले तैयार करते हैं। मसालों में हमें चाहिए बेसिक से मसाले हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और नमक हम पहले से ही डाल चुके थे, इसलिए अब नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला मेरा घर का खुद का तैयार किया हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इनको मिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, लम्स ना पड़े बिल्कुल भी। अब हमारा ये मसाला तैयार है। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, आप कढ़ाई या पतीला दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें अब हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप कुछ भी, कोई सा भी तेल ले सकते हैं, मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें हम, हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें अब हम 1 चुटकी हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा चटक चुका है। अब हम इसके अंदर तैयार की हुई ग्रेवी डाल देंगे, टमाटर वाली। हमने ग्रेवी डाल दी है, ग्रेवी हम तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। इसके अंदर हमने चने लिए थे बॉईल हुए, इसलिए हम इसको पकाना है थोड़ा सा। इसके बाद हम हमारे मसाले डालेंगे जो हमने तैयार किए हुए थे। मसाले हमने बेसी के लिए हैं, जो घर में अवेलेबल रहते हैं उन्हीं मसालों से हम ये सब्जी बना रहे हैं, बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट। ये हमारा पक चुका है, अब हमने इसमें मसाला डाल दिया है। इसी कटोरी में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो भी मसाला है वो भी इसी के अंदर आ जाए, पानी की सहायता से सारा इसमें आ जाए। देखिए, आ गया सारा मसाला और हमने ये भी डाल दिया है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक कि अच्छी तरह से पक ना जाए। ये बिल्कुल हमारा, देखिए, मसाला पक चुका है, मसालों ने सारा तेल छोड़ दिया है और हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ आलू डाल देंगे और साथ में ही काला चना डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी बाद में डालेंगे हम, पानी हमने बचा लिया है, पानी को हमें फेंकना नहीं है, पानी का हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारी सब्जी तरीदार और रसेदार है। इसको हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसलिए हमारी सब्जी थोड़ी रसेदार और तरीदार है। देखिए, सब्जी में बॉईल आ चुका है, सब्जी पक रही है हमारी, चमचे की सहायता से हम देख रहे हैं हमारी सब्जी पक गई है। अब हम इसको फ्लेवर के लिए, इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी का अपना अलग ही स्वाद होता है, कस्तूरी मेथी घुल जाती है सब्जी में, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब्जी आप एक बार मेरे इस तरीके से बना के देखिए बिना लहसुन प्याज के, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, परफेक्ट बनी हुई है सब्जी हमारी।